स्वागत है फ्रेंड्स आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेडमी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़े। हमारे पास ये रेडमी नोट 8 फोन है, इसमें लॉक लगा हुआ है, देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसका लॉक कैसे तोड़े। दोस्तों रेडमी का किसी भी फोन का लॉक आप इस ट्रिक से एकदम ही आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इसका लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको फोन को स्विच ऑफ करना होगा। फिर इनको स्विच ऑफ करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, फोन हमारा पूरी तरह से स्विच ऑफ हो जाएगा। फोन हमारा बिल्कुल पूरी तरह से स्विच ऑफ हो चुका है। अब क्या करना है, आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। कुछ इस प्रकार से प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर तक, ठीक है। थोड़ी देर तक प्रेस करके रखने के बाद फोन हमारा ऑन हो जाएगा। तब फोन जैसे ही हमारा ऑन होगा आपको पावर बटन को छोड़ देना है, वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखना है। दबाए रखने के बाद थोड़ी देर में आपके पास कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन से इसमें वीप डाटा वाला ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद पावर बटन से प्रेस करना है, उसके बाद वीप और डाटा फिर से पावर बटन प्रेस करना है, ठीक है। नीचे में आ जाना है, डाउन बटन से कन्फर्म पे क्लिक करना है यहाँ से, और ओके पे क्लिक करना है। वॉल्यूम प्लस बटन मतलब सॉरी पावर बटन से प्रेस करना है। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन आएगा, थोड़ी देर में ये ऑप्शन हटकर आपको रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है, तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए अब आ गया बैक टू मेनू, आपको पावर बटन प्रेस करना है। फिर से एक बार पावर बटन प्रेस करके रीबूट कर देना है। फिर से एक बार पावर बटन क्लिक करके रीबूट सिस्टम पे क्लिक करेंगे, फोन हमारा ऑटोमेटिक बंद होकर ऑन होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका फोन को ऑन होने में, कभी कभी 2-3 मिनट लगता है, कभी कभी 5-7 मिनट भी लग सकता है। तो घबराने की बात नहीं है, फोन में थोड़ा सा टाइम लगता है जब भी हम फोन को फैक्ट्री रीसेट या हार्ड रीसेट करते हैं तब। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद फोन हमारा ऑन होने के बाद एकदम ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिससे ना ही आपको FRP लगेगा और ना ही आपको जीमेल आईडी मांगेगा, और आपका फोन एकदम ही आसानी से ओपन हो जाएगा और लॉक भी आपका हट जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों फोन हमारा ऑन हो गया है। अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, इंतजार करना है, फोन इस प्रकार से ऑन होगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है, फिर से एक बार इस पे क्लिक करना है, ठीक है, फिर से एक बार इस पे क्लिक करना है। आपको वाईफाई नेटवर्क से अभी कनेक्ट नहीं करना है, ध्यान रहे अभी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से एरो के निशान पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्किप कर देना है, सॉरी ना ही सिम लगाना है और ना ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है, आपको यहाँ से स्किप कर देना है, वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से स्किप करिएगा, आपका स्किप हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे गूगल सर्विस आएगा, ऊपर स्क्रॉल हो जाएगा, एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, देखते हैं क्या आता है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे आ गया आपका सेट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे ओनली स्क्रीन लॉक पे क्लिक करना है, पेट्रोन पे क्लिक कर देना है, या पासवर्ड या पिन भी लगा सकते हैं, ठीक है, पेट्रोन हम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गो इट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पेट्रोन डाल देना है, जो भी आप नया डाल सकते हैं, कोई भी आप डाल सकते हैं, 4 में होना चाहिए कम से कम, हो गया, मतलब 4 बुंदा में कम से कम होना चाहिए। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार लगा के देखते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक है, पासवर्ड नहीं हो रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है, ये जो है इस ट्रिक से नहीं होगा, आपको इसमें FRP बाईपास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये FRP बाईपास हम दूसरे वीडियो में करके दिखा देते हैं, इसके बाद ही वो वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रेडमी का किसी भी फ़ोन का लॉक तोड़ सकते हैं, ठीक है। लॉक तोड़ने के लिए ये ट्रिक आपको लगाना है, इसे एकदम ही आसानी से रेडमी का लॉक एकदम ही आसानी से टूट जाता है। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा, धन्यवाद।